अब जो वेट है वो हमें ख़त्म कर लेना चाहिए, इसी के आगे जो हमारी कहानी है वो हम आपको दिखाएंगे। सो फाइनली फाइनली हमारी नई गाड़ी। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो ये आज की वीडियो जो है ये उसी की कंटिन्यूटी में चल रही है। तो अंदर मम्मा रेडी हो रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया नहीं है क्योंकि उनके लिए रखा है सरप्राइज़, और आप सब लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है ही है। रोहन भाई को भी मैंने कॉल करना है और पूछना है, फिर उसके बाद हमें गाड़ी की पूजा भी करवानी है, सब काम करना है। तो चलो ठीक है। तो गाइस मतलब एक्साइटेड, गुड शो, मज़ा आएगा। रेडी हो चुके हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मी को मनाया। मैंने कहा यार दो तीन दिन हो गए, पहले तो क्या दो चार दिन तो टेंशन वेंशन में ही रहे ना, तो उस चक्कर में ज़्यादा हो नहीं पाए। हमने फाइव स्टार होटल रेस्टोरेंट में जाना है खाना खाने के लिए। क्या आपके पास साड़ी नहीं है पहनने के लिए? हैं क्या मोहित? मोहित कुछ बोल रहा है, बोल रहा बोल रहा यार। मोहित कुछ बोलेगा, कपड़ों से कुछ नहीं होता, आदमी में स्टेटस होना चाहिए। क्या ऐसे इधर उधर क्यों भाग रहे हो यार? मैं तका नहीं, इधर ही चढ़ना है अभी। तो चलते हैं अपनी थार को लेके। तुझे ये नहीं पूछा जिप्सी कुछ है? मम्मी को कुछ नहीं पता गाइस, तो ये इतनी दिक्कत है ना पीछे घुसने। मम्मी एक और गड्डी जुड़ता है ना? नहीं बच्चे ये बढ़िया है। क्यों पीछे घुसने में दिक्कत नहीं होती है? नहीं दिक्कत का कारण नहीं दिखे। हाँ पैसों को क्या करना, साथ थोड़ी जाते हैं ऐसे थोड़ा। अरे यार देखो ये क्या बात है। और बताओ जम्मू में कैसा लगा? पूरा दिन घर पे बैठे रहते हो, बोर होते रहते हो, कैसा लगता है? तो मम्मी एक बहुत अच्छी नेविगेटर भी है, मतलब क्या है कि जैसे गाड़ी मैं चला रहा हूँ तो मम्मी का पूरा ध्यान रखा, वो गड्डी आई थी, वो पत्थर आया थी, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, तो ये अच्छा है। भूल गई हो गाड़ी में बैठते पहला काम क्या होता है? यार क्या करूँ मैं, थी 20 के ऊपर जब स्पीड जाती है तब करती है। हमारा कोई सामान रह गया घर पे, तो मोहित को जाना पड़ेगा रूम पे, मम्मी को सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ। चार दरवाजे वाली गाड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही बार बार मम्मी इतना स्लो उतरती है गाइस। देखो जब आप झगड़ा करती हो पापा के साथ तब तेजी होती है ना, तो उतना तेजी से काम किया करो। अच्छा गाइस मम्मी की पावर का असली पता तो पापा को ही है। चलो चलिए जी ठीक है, निकलते हैं, अभी हंसी मजाक चलता रहता थोड़ा बहुत, तो चलो लेट हो गए। वो तो होटल वाले वेट करते होंगे हमारा। होटल चले कहीं घूमने चले? घूमने चलो यार। क्यों होटल में पैसे लग जाते हैं इसलिए? पैसा बचाना गाइस, पता नहीं क्या करें इतना पैसा बचा के। ये भी कोई ना बड़ा मेरे को बड़ा खतरनाक और मुश्किल काम लगता है। इस जाली में जो बैठेगा उसका क्या होगा? रिस्की नहीं है जाली जैसे झूल रही है? चार दरवाजे वाली गाड़ी चाहिए। वही तो तुम्हें मैं पीछे बैठे वाले होना। मम्मी इतना कौन उठेगा बार बार? एक चार दरवाजे वाली गाड़ी ले लेते हैं। नहीं तुम्हारी बड़ी है ये नए दरवाजे वाली। सो गाइस फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं। मम्मी हम तो रेस्टोरेंट में जाने वाले थे, ये हम कहाँ पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? तो गाइस मम्मी को आपको कोई ऐसे कंफ्यूजन जैसी लग रही है? कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ हो सकती है? तो चलो गाइस मम्मी को लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है, अब गड़बड़ क्या होगी वो हम बता नहीं सकते, तो चलो ठीक है निकलते हैं फिलहाल। अभी तक समझ आ रहा है कोई? एनी गैसेस है कोई गैस? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस ऐसे ही अभी क्या है कि मम्मी के साथ मैं आ गया था किसी काम से, तो बैग वैग ही अपना पकड़ा, तो आपको बताते हैं इधर। तो गाइस फाइनली हम रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं खाना खाने मम्मी के साथ, तो मम्मी पता नहीं आज क्या करने वाली है। क्या लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मम्मी के एक्सप्रेशन में समझ नहीं पा रहा, क्या लग रहा है आपको? कल का चक्कर में चढ़े हुए थे। तो गाइस ठीक है ये रोन दिए। तो गाइस फाइनली मुझे लगता है अब जो वेट है वो हमें ख़त्म कर लेना चाहिए, इसी के आगे जो हमारी कहानी है वो हम आपको दिखाएंगे। सो फाइनली फाइनली हमारी नई गाड़ी। तो गाइस फाइनली हमारी नई गाड़ी आ चुकी है, काफ़ी देर से मैं कह रहा था, तो अभी क्या है कि मम्मी अभी ज़्यादा मुझे एक्सप्रेशन देने वाली है नहीं है। नहीं अभी आपने किसी को देखना, बताओ अब बताओ कौन सी गाड़ी है? मुझे नहीं पता कौन सी है। अच्छा बाहर से देखने में अच्छी लग रही है, क्या लग रहा है आपको? मैंने गाड़ी लेके सही किया गलत किया? तो गाइस देखो अब इस सिचुएशन को हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, लेकिन शायद मम्मी को रास्ते में थोड़ा बहुत डाउट हो गया था। डाउट मम्मी को लग गया था, मम्मी को पहले ही डाउट था कि कुछ तो है मसला। तो चलिए ठीक है अब टाइम आ चुका है, गाड़ी रिवील करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, मम्मी को भी दिखाते हैं, एंड बस ये। तो फाइनली हमारी जो
यूट्यूब मनी से वो आ रही है। मम्मी का एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, काफी कंफ्यूज जैसे लग रहे हैं मेरे को। अब बस ये है कि मम्मी को ना गाड़ी पसंद आनी चाहिए, ठीक है? करें फिर रेडी 1 2 3 गाड़ी। हाँ जी, ठीक है। ये रही जी हमारी गाड़ी ऑडी A6। हाँ जी, तो जी आशीर्वाद का समय आ चुका है और कैसा लग रहा है? अभी अभी काफी मिक्स्ड एक्सप्रेशन है, क्या कि गाड़ी की पूजा करवाने के लिए हमें जाना है तो निकलेंगे। रोन भैया थैंक यू सो मच, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेलिंग माफिया, ठीक है ना? तो अभी गाड़ी पे भी जब मैं लाया था तो थोड़ा सा इसमें था, फिर अभी आप देख सकते हो कि ये गाड़ी ना कितनी चमक रही है, ठीक है? तो अगर आपको भी डिटेलिंग से रिलेटेड कुछ भी है तो आप विजिट कर सकते हैं इन्हें। तो चलिए फिर अभी निकलते हैं। मम्मी को टेंशन होगी। ठीक है, तो चलिए ये रही जी हमारी ऑडी की चाबी, तो स्टार्ट करते हैं इसको। मम्मी अभी कुछ नहीं बोलेंगी, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे उसके बाद बोलेंगी। तो चलिए ठीक है, यही है कुछ सीन। तो डिलीवरी हमने ले लिया है, बाकी स्पेशल थैंक्स बोल दिया। ठीक है जी, अच्छी लगी? ठीक है, बढ़िया। चलो जी, ठीक है जी, आप भी सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है? ओके, ठीक है। अभी तक मम्मी का ना असली आपने देखा नहीं, बिकॉज मम्मी थोड़ा सा था, मम्मी को माहौल ही समझ नहीं आया कि हुआ। मोहित की ये पूछे हैं, पर मोहित ने भी गल लीक नहीं की थी, वैसे ही को लगा रहा है कि गल लीक होगी किस तरह। अब मम्मी के असली एक्सप्रेशन जो है नजरें से गड्डू ना तनो लोके नजरें से गड्डू। और मम्मी यार सब कर्जा लेके कर रहे हैं। नहीं लोग ने ना सोचते, लोग आते ना खोरा पता नहीं केड़ी खान पट्टी है। और नहीं यार खान क्या पटनी है, अब देखो चार दरवाजे वाली गाड़ी कितनी थोड़ी चलानी होती है हमसे, वो दो दरवाजे वाली। कैसा लग रहा है अंदर बैठ के? क्या समझे? हाँ यार अब देखना। मम्मी का एक्सप्रेशन, मम्मी क्या है कि जैसे मेरे साथ तो कंफर्टेबल रहती हैं, फिर मम्मी आते हुए भी कंफ्यूज हो रही, पता नहीं क्या कर रहा। अब दिखी ना खुशी? अब खुशी दिखी। कैसी है गाड़ी? प्यारी है ना गाड़ी? लग्जरी तो गाइस ये लेने का एक इकलौता रीजन देखो, कंफर्ट का बहुत वो रहता है। थार जैसी गाड़ी। केड़ी गड्डी के नाम है? ऑडी। ऑडी नाम सुना है? चार चार छल्लों वाली गाड़ी होती है जो, ये ऑडी का साइन है, चार छल्ले। समझे कि नहीं? समझे नजर लगाए गुरु महाराज। मम्मी को तो एक ही टेंशन हो गई कि लोगों की नजर। मम्मी हमारी नीयत साफ है, मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से आ रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि कोई खदान हमने खोल रखी है तो वहीं से आ रहा है। तो गाइस फिलहाल का सीन ये है, अभी हमें करवानी है गाड़ी की पूजा। गाड़ी कौन सी है देखने से सबको पता चल गया होगा, नहीं पता चला वो सारी बातें डिटेल की मैं बाद में करूंगा। मम्मी खुश हो गई हैं, अंदर एक्सप्रेशन बड़े मिक्स से थे। अब मम्मी को आया मजा, सिर्फ एक ही टेंशन है कि कोई नजर लगा देगा। तो भगवान हमारे साथ है, आप लोगों का प्यार हमारे साथ है, आज जहाँ कहीं भी आपके उससे ही है। जल्दी से मंदिर चलते हैं, पूजा करवाते हैं। तो गाइस मम्मी को तो लग रही ठंड, मम्मी कह रही कि ये एसी का मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका पता नहीं क्या कुछ सिस्टम है। अपनी थार में जो सिंपल सा होता है, तो मम्मी एक चीज और दिखनी यार, इधर से खुल जाती है सनरूफ ये। हाँ छोटा ही है लेकिन ठीक है, और क्या नहीं है ना, तो ना ये खुल गई। कल परसों से ना मैंने वो वीडियो दो दिन शूट ही नहीं करी है। हाँ। और वो मम्मी को ही पता है कि इनके साथ चलो एक कुछ और प्रॉब्लम्स भी लाइफ में बहुत होती हैं, तो चलो उससे भी गुरु महाराज जी ने हमें बचाया। मम्मी को पता है कि मेरी क्या हालत थी, ना मैं बात कर रहा हूँ ना कुछ नहीं, ना इसने ढंग से खाया भी है कुछ, ऐसे ही सिर्फ ये देख के, क्योंकि ये गाड़ी ना अभी से नहीं मैं देख रहा, लगभग 10-15 दिन से हम इस गाड़ी के चक्कर में लगे हुए थे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी और फिर बनते बनते रह गई। तो बड़ा ना कुछ क्या सा मच गया, चैनल मैं दिन ब दिन देख रहा हूँ नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। मैंने कहा करूँ तो करूँ क्या, लेकिन फाइनली चलो जो भी होना है जैसे भी होना है ऊपर वाले की मर्जी से, तो ठीक है। तो अभी हम ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यार ब्लूटूथ कनेक्ट करके दो ना।
सभी जा रहे हैं महामाया मंदिर वाली साइड। पेड़ अभी अभी कटा है, गाड़ी की क्लियरेंस बहुत कम है, तो मैं नहीं चाह रहा कि नई नई गाड़ी पे मेरी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान या कुछ भी ऐसा हो। तो चलिए ठीक है, फटाफट चलते हैं ताकि पंडित जी में मिल जाए, लेट हो रखे हैं काफी ज्यादा। पर मम्मी उस कॉन्फिडेंस से नहीं चल रही जैसे थार चलाता हूँ मैं। पर आपको कैसी लगी? तो गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर। आप हम पहली बार आ रहे हो क्या? नहीं पहले भी आए। तो पहली बार गाड़ी की पूजा करवाने में मम्मा के साथ आ रहा हूँ, क्योंकि थार की पूजा मैंने पहले ही करवा ली थी। ये देख लो पार्किंग ब्रेक है इसके लिए। हाँ आप इतने से महामंत्र पढ़ो। तो गाइस सारे काम बहुत अच्छे से बनते जा रहे हैं, पंडित जी भी हमें मिल गए हैं। पिछली दो गाड़ियों की नहीं है ये, और भी एक्साइटमेंट है इस बारी। और इसमें DRLs भी हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब पर दूर से देखने में ऐसा लगता है कोई क्लास गाड़ी है ना। गुड शो गाइस, गुड शो। पार्किंग का रिएक्शन तो नोट करिए, पहली बार गाड़ी की पूजा में साथ हूँ और गाड़ी थोड़ी बड़ी नहीं है। पूजा हो चुकी है और इतने रिस्क के बीच फोटो लिया जा रहा है, साइड पे आप देख सकते हैं। और ये गाड़ी पे चढ़ सकते हैं तो हमें भी, अरे नहीं करो यार मेरी गाड़ी पे, अरे जा जाएंगे मेरी गाड़ी पे। चलो ठीक है गाइस, ठीक है यही था कुछ सीन आज का, आपको दिखा दिया हमने गाड़ी हमारी आ चुकी है और मम्मी को भी गाड़ी पसंद आई है। तो गाइस इससे पहले कि हमारी नई गाड़ी में कोई मसला होगा, आ जाओ मार्केट, हॉप इन हॉप इन। चलिए ठीक है जी, फाइनली नई गाड़ी देख लिया आपने, अब होगी ये गाड़ी हमारी पूरी। अब हमारे पास टाइम भी बहुत है क्योंकि पहले हमें पूजा का वो था, अब सब कुछ बहुत है। अब बताओ क्या करना है? डांस करेंगे। पहले इधर से निकलते हैं फिर करते हैं। तो गाइस ऐसा होता है जैसे ना गाड़ी लेने के बाद ना हर दिन जो है ड्राइव भी होती है, गाड़ी चलती भी है, लेकिन जो पहले दिन की फील और वाइब है ना वो आपको वापस कभी नहीं आ सकती। इसलिए ड्राइव का फुल मजा लिया जा रहा है इनके द्वारा भी, मैम साहब के द्वारा। क्या बोलोगे? अरे यार मम्मी चाहे जो मर्जी बोले लेकिन मम्मी को अंदर से टेंशन बहुत है, कह रहे तो मसला गलत है। तो चलो कोई नहीं, अभी जाएंगे यहाँ पे चाय वाय पियेंगे कुछ, बाकी अब इसके आगे की जो भी डिटेल है वही तो बतानी है वीडियोस में आगे। और क्या करके हमने एक सेडान ले ली, किधर 4x4 से सेडान है मम्मी। पर एक बात बताओ मेरे को, जैसे ये गाड़ियाँ अच्छी है कि वो दूसरे वाली अच्छी होती, जैसे इसुजू है, थार है, ये देखो ना अलग टाइप की गाड़ी है, ये अलग टाइप। तो ये कैसी लगी आपको? ये मतलब ना अमीरों वाली गाड़ी होती स्कूटर लिया तो पापा नुशहरे से आ रहे थे, किसी ने पापा से पूछा कि रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पापा ने कहा दिक्कत तो कोई नहीं हुई, बस एक गाय रास्ते में आ गई थी। तो फिर उन्होंने कहा यार पहले नहीं बताया आपने, हम रास्ता क्लियर करके रखते। तो यही अभी गाय आई आगे। नहीं उससे पहले एक चीज जो बोल रहे थे यार, सारे कनका गब्बूड़ी और सारी कनका गलती देख रहे हो आप। अब ये ऑडी वाला बंदा घर जाके गेहूँ काटे ना, मतलब जिसकी तरुण भी काटेगा, काटनी पड़ेगी गाइज। ये ऑडी आ जाए, थार आ जाए, चाहे रोल्स रॉयस आ जाए, जो अपना काम है वो करना है। अभी जाएंगे घर और काटेंगे गेहूँ। तो चलो ठीक है निकलते हैं। आ चुकी है फाइनली ये मेरा है। मम्मी पी रही है चाय, मैं पी रहा हूँ आइस टी, एंड मोहित जी हमारे पी रहे हैं कोल्ड कॉफी। मोहित जी का स्टाइल ये रहेगा। मम्मी मोहित जी पर क्या रखना है? आनंद लेना जिंदगी का, ना ना दे। देख ये तो ज्ञान की बात होगी गाइज। सो गाइज चाय वाय पीने के बाद निकल चले हैं, लेकिन एक चीज गाड़ी में बैठते ही जो मुझे पहली मॉडिफिकेशन दिख गई है भाई, इसकी लाइट्स जो है वो मुझे बल्ब चेंज करवाने पड़ेंगे। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। तो इसकी जो लाइट है ये येलो है, अपने को मांगता है व्हाइट, और मेरे को लग रहा है शायद ये उतनी ब्राइट भी नहीं होगी, तो ये हमें चेंज करवानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी में कुछ नहीं कराएंगे, लेकिन यहाँ से आप एम्बियंस देख रहे हो, लाइटें इतने तो इसमें फीचर दे रखे है हमें, कितनी सारी चीज पूरी गड्डी जगमगाती है तो कौन सा है ना। और मम्मी कह रही है इसमें बैठे तो पता ही नहीं चलता कंफर्ट इतना है। तो अभी हम आए हैं मोहित को छोड़ने, और मम्मी ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही, अब मुझे उतरना नहीं पड़ेगा, अब मोहित को उतरना अगर है ना, इसलिए मैं बोल रहा था चार दरवाजे वाली गाड़ी चाहिए। मम्मी कह रही थार में पीछे ही बैठूंगी। ठीक है मोहित मिलता हूँ देर से मैं ना, और लोग उधर से भी होगा ना उसका बटन। ओ माय बारी खुली हुई मोहित यार, मोहित यार मोहित ने क्या किया। तो चलो कोई नहीं ठीक है फिर ओके।
तो चलिए जी मोहित को छोड़ दिया, अब निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस वैसे तो क्या हमेशा नई गाड़ी में अकेले अकेले लेता हूँ, तो इस बार मम्मी साथ आई है। मम्मी कह रही मिठाई भी लेनी है, तो मिठाई लेने के लिए आ गए अभी। तो चलिए मिठाई लेते हैं, मम्मी जो पसंद करेंगी वही वाली लेनी है। मालकिन ने करवाया खर्चा 1600 की मिठाई, 2 डिब्बे 2 किलो। भाई इतनी बड़ी गाड़ी पे इतना तो बनता है वैसे, तो चलिए गाड़ी के हिसाब से मिठाई भी लेनी पड़ती। सो फाइनली पहुंच चुके हैं वापस, जा रहे हैं रूम पे। और अब शुरू होती है सबसे बड़ी दिक्कत कि गाड़ी गली में घुसेगी नहीं घुसेगी। घुस तो जाएगी, इस टाइम ट्रैफिक तो नहीं है उतना, लेकिन एक जो स्पीड ब्रेकर आता है रास्ते में हमने, और गाड़ी कहीं बाहर लगा भी नहीं सकते अभी, बिल्कुल नई गाड़ी है ना, घर के सामने उधर कहीं लगेगी तो चलो फिर भी रहता है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं घुसाते हैं, नहीं घुसेगी तो फिर कहीं और लगानी पड़ेगी, पर टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है तो चलो। गाइस अभी मुझे यहाँ से ये वाला पैराफिट देखना है, बट मुझे देख के लग रहा है कि शायद टच नहीं करेगी, है ना, पता नहीं, कर भी सकती है वैसे, कुछ कह नहीं सकते। जितना लो मैं गाड़ी को समझ रहा हूँ उतनी ये है नहीं, बेसिकली थार इससे ना महंगी है, लेकिन उसकी इतनी केयर ना जिसकी इतनी इसकी जितनी है। तो इसको कवर के नीचे और अंदर आ गई, हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, ओवरऑल गुड शो गुड एक्सपीरियंस। मम्मी खुश है, वैसे तो मम्मी चाहती है कि शायद गाड़ी ना लूँ, पर मैंने ले ली है तो मम्मी खुश है। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है यहीं पर, तो आप जाएंगे घर, बट मज़ा आपको ज़रूर आएगा बिकॉज गाड़ी में दम है ना, दम है, और वो दम हम आपको आस्ता आस्ता दिखाएंगे। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ये गाड़ी आई है ठीक है ना, तो नेक्स्ट भी आने वाली है बहुत जल्दी, जैसे ही वो लॉन्च होगी तब, उसमें कोई डिले नहीं होने वाला है। तो चलिए।